नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रेलवे किराए की बढ़ोतरी को लेकर सपाइयों ने रेलवे परिसर में किया जोरदार धरना प्रदर्शन। कन्नौज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी के नवाब सिंह यादव की अगुवाई में रेलवे का बड़ा किराए को लेकर रेलवे स्टेशन परिसर में जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए और कहा कि सरकार लगातार महंगाई करके आम इंसान की कमर तोड़ रहा है। ऐसे में रेलवे का किराया बढ़ाया गया जिससे गरीब इंसान की कमर टूटी नजर आ रही है, क्योंकि पहले पैसेंजर का किराया कम था, अब 45 रुपए हो गया है, जिसके चलते समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। रेल मंत्री रेलवे स्टेशन मास्टर को सौंपा। कन्नौज से जिला ब्यूरो चीफ शिबू सैनी की रिपोर्ट। कि आम आदमी बहुत परेशान है, जब से कोरोना लगा है तब से ये पूंजीपतियों की सरकार रिजर्वेशन के माध्यम से ऑनलाइन दुगना किराया टिकट दे रही, खिड़की से टिकट नहीं दे रही। हिंदुस्तान में अभी भी 30-35% लोग हैं बेचारे जो हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं, वो ऑनलाइन कैसे कराएं? हम प्लेटफार्म पे लोग आते हैं, उन पे 50 रुपया टिकट हो जाता है, 10 रुपए का टिकट था। ये सरकार केवल पूंजीपतियों का ध्यान दे रही है, गरीब जनता का ध्यान नहीं दे रही है। गरीब आदमी को कानपुर जाना है, वो कहीं जाए पढ़े लिखे व्यक्ति को ढूंढे, उसके बाद अपना रिजर्वेशन ऑनलाइन कराए, दुगने पैसे दे, तब वो जा पाएगा। इसके विरोध में हम समाजवादी लोग धरना देने आए हैं, जनता की लड़ाई लड़ने आए हैं। अगर सरकार ने हमारी बात ना मानी तो जनहित में कई मुकदमे लगे हैं रेल रोकों के। हम लोग पटरी पे उतर कर रेल रोकेंगे, जब तक हम समाजवादियों के जिस्म में खून है तब तक जनता की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे तेजस 24 न्यूज़।